साउथ सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर 6 साल बाद सोलो फिल्म लेकर आ रहे हैं। आने वाली फिल्म देवरा पार्ट 1 को लेकर बेताबी 2023 से है। हालांकि इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट जूनियर एनटीआर को घबराहट भी है। अरविंद समेदा के बाद देवरा पार्ट 1 में जूनियर एनटीआर बतौर सोलो हीरो बनकर धमाल मचाएंगे। इससे पहले वो ट्रिपल आर मूवी में नजर आए जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ट्रिपल आर के बाद से ही फैंस को जूनियर एनटीआर की सोलो मूवी देवरा का इंतजार था। अब फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। 10 सितंबर को देवरा पार्ट 1 का ट्रेलर लॉन्च किया गया। मुंबई में ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर मौजूद रहे। इस इवेंट में जूनियर एनटीआर ने बताया कि उन्हें क्यों देवरा के लिए घबराहट हो रही है। जूनियर एनटीआर को इस बात के लिए घबराहट हो रही है कि वे 6 साल बाद किसी सोलो फिल्म में नजर आने वाले हैं। इवेंट में एक्टर ने कहा, मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि ट्रिपल आर के बाद मेरी अगली फिल्म है। ट्रिपल आर में रामचरण थे, ये 6 साल बाद मेरी सोलो फिल्म है, इसलिए बहुत घबराहट है। देवरा पार्ट 1 में जूनियर एनटीआर दोहरी भूमिका में है। वे फिल्म में बाप बेटे का किरदार निभा रहे हैं। आज देवरा का ट्रेलर यानी कि बीते ही दिन रिलीज हुआ जिसमें उनका दमदार एक्शन देखने को मिला। सैफ अली खान भी अपने परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफें बटोरते नजर आए। फिल्म में जानवी कपूर जूनियर एनटीआर के ऑन स्क्रीन प्रेमिका के रोल में दिखाई देंगे। प्रकाश राज भी देवरा में मेन रोल में है। वहीं फिल्म 27 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है और काफी लोग अब इसके इस ट्रेलर को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। बोला आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए? अपनी राय, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।